आज हम लोग हिंदी व्याकरण से भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा पाठ जो है हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है, इसी के द्वारा हम पूरे हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। तो आइए हम भाषा के बारे में जानें। सबसे पहले भाषा, भाषा क्या है? भाषा ही वह शास्त्र है, भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोल करके या लिख कर करके। जो भी मन हमारे मन में विचार है, भाव है, जो हम दूसरों के सामने बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आइए हम अब भाषा के बारे में जानें। भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों के सामने लिख कर करके, बोल करके प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। मूलतः से भाषा का परिभाषा यही है कि जिसके द्वारा हम अपने भाव का आदान प्रदान अपने सामने वाले व्यक्ति के पास या दूसरों के पास करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के मूल रूप से दो भेद हैं। भाषा के मूल रूप से कितने भेद हैं? दो भेद हैं। मूल रूप से भाषा के दो भेद हैं, लेकिन यहाँ पे हम भाषा के एक भेद का और प्रयोग करते हैं जो हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं बताया गया है। लेकिन मूल रूप से दो भेद के अलावा भी तीसरा एक भेद है, उसे हम संकेतिक भाषा कहते हैं। मूल रूप से भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन तीसरे मूल रूप में ना आने के कारण संकेतिक भाषा भी जो है भाषा का ही रूप माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो कि हम अपने मन के विचारों को बोल करके दूसरों के सामने आदान प्रदान करते हैं, अपने भाव को, अपने बोली को, अपनी भाषाओं को, अपने किसी भी भाव को जो हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन किस प्रकार प्रकट करते हैं? बोल करके प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि बातचीत करना, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हम बोल करके करते हैं। हम गाना गाते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम बोल करके किसी भी गाने को गाते हैं तो क्या होता है? लोग हमारी बोली को सुन करके उस बात को समझते हैं और हमारे भाव को अपने आप में पहुंचाते हैं, हम दूसरों तक अपने भाव को पहुंचाते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिससे कि हम अपने भाव को बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, गाना, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम बोल करके अपने भाव को या दूसरों के भावों को ग्रहण करते हैं या अपने भावों को दूसरों के सामने रखते या प्रकट करते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा मैं फिर से बताना चाहूँगी, जो बोल करके हम अपने भावों को प्रकट करते हैं या दूसरों के भावों को ग्रहण करते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। पहला रूप था मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम लिख कर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। आप लोग एक बार श्याम पट पर अपनी नजर को डालिए, देखिए। सबसे पहले मौखिक भाषा है, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरा रूप है लिखित भाषा, जब हम लिख कर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। पहले आपको बताया गया कि मौखिक भाषा जो कि हम बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अपने भाव को और दूसरों के भाव को ग्रहण करते हैं सुन करके, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन दूसरा रूप है लिखित भाषा। इस भाषा में हम लोग क्या करते हैं? अपने भाव को दूसरों के सामने लिख करके प्रकट करते हैं या दूसरों के भावों को अपने आप में लिख करके या पढ़ करके उसको ग्रहण करते हैं। जैसे किताब पढ़ना, क्या हुआ? दूसरों के व्यथा उसमें लिखी रहती है, दूसरों के द्वारा लिखा होता है और उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? पढ़ के। लेकिन वह रूप क्या है? लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि वह किताब किसी न किसी के द्वारा लिखी गई है और वह लिख करके अपने भाव को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। दूसरा है पत्र लिखना। हम किसी को पत्र लिखते हैं। पहले के जमाने में जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था तो हम क्या करते थे? पत्र लिखते थे। तो हम क्या करते थे? अपने भाव का आदान प्रदान पत्र लिख करके करते थे और उनके भावों का आदान प्रदान, उनके भाव को ग्रहण हम लोग किस प्रकार करते थे? पत्र को पढ़ करके करते थे, क्योंकि उनके द्वारा जो पत्र
भावों का आदान प्रदान हमारे लिए किया गया है। तो आप लोगों ने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा उसे कहते हैं जिससे कि हम अपने मन के भाव को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या उनके मन के भाव या उनके विचारों को खुद को खुद में ग्रहण करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो कि हम बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के भावों को सुन करके खुद ग्रहण करते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिसे हम लिख करके दूसरों के सामने अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को पढ़ करके उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। लेकिन भाषा के एक तीसरा मूल रूप से उदाहरण जो मूलता नहीं माना गया है लेकिन उसे भाषा में जोड़ा गया है, वह संकेतिक भाषा। वह भाषा जिससे हम अपने इशारों के द्वारा दूसरों को बताते हैं, इशारों के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं और वह जो मनुष्य होते हैं वह इशारों के द्वारा उस चीज को समझते हैं, उसे ही हम संकेतिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे हम इशारों के द्वारा दूसरों को अपने भावों को बताते हैं और उनके भावों को इशारों के द्वारा हम खुद समझते हैं, उसे ही हम संकेतिक भाषा कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि भाषा के मूलतः दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन एक भेद और है जिसके बारे में किताब में नहीं बताया गया है लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तीसरा भेद है संकेतिक भाषा, जिसे हम अपने इशारों के द्वारा अपने भावों को दूसरों को बताते हैं और इशारों के द्वारा ही हम अपने उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है, हम लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम लोगों के राष्ट्र में, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वहाँ हम लोग यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं, मूलतः हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में राष्ट्र और भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि। तो ये सारी जो बोलियां हैं सब भाषा के अंतर्गत में ही आती हैं। हर भाषा अपने अपने राज्य में, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती है। आइए अब हम लोग जानेंगे लिपि के बारे में। किसके बारे में, लिपि के बारे में। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। तो भाषा का उत्पादन कहाँ से होता है, क्या है, लिपि। भाषा को बनाने का ढंग जो है वो लिपि के द्वारा ही होती है। भाषा के जो लिखने का ढंग होता है, जहाँ से भाषाओं को, बोलियों को लिखी जाती है, उसे बनाया जाता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। आई बात समझ में, भाषा के लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में भाषा लिखी जाती है उसी को हम लिपि कहते हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ भाषाओं की लिपि जानते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी गई है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, क्योंकि मूलतः हिंदी और संस्कृत एक जैसे होते हैं, उनमें कुछ विभिन्न प्रकार के अंतर होते हैं लेकिन लिपियां उनकी एक जैसी एक है। उनकी हिंदी की भी देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही होती है। जैसे पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या होती है, फारसी। उर्दू किस लिपि में लिखी गई है, फारसी। तो भाषा या बोली के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि बहुत सारी भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी गई है। जैसे हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है।
और शुद्ध शुद्ध हर चीज को बनाना सिखलाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना भाषा किसे कहते हैं, जिससे कि हम अपने मन के भाव का आदान प्रदान दूसरों के सामने करते हैं और उनके भावों को सुन करके खुद में ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मूल रूप से भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोल करके या सुन के जो बातों को हम आदान प्रदान करते हैं और ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा जिसे हम लिख करके या पढ़ करके ग्रहण करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का एक भेद और है संकेतिक भाषा, जो हम इशारों के द्वारा दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के इशारों के द्वारा हम खुद समझते हैं, उसे संकेतिक भाषा कहते हैं। हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और भी हमारे राष्ट्र में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अपने हर अलग अलग क्षेत्र में, अपने हर अलग राज्य में लोग अपनी अपनी भाषा और अपनी बोलियों को बोलते हैं। उसके बाद लिपि, लिपि जो भी हम भाषा और बोली को बोलते हैं उसके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, संस्कृत भाषा की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। उसी प्रकार से व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध हर चीज़ हिंदी के व्याकरण में बनाना, वाक्यों